चरणों में नमन करते हुए भारत के पूरी दुनिया के महान राजा सम्राट अशोक के चरणों में नमन करते हुए, हमारा देश भारत विविधताओं का देश है, विभिन्नताओं का देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की जातियाँ, धर्म, संस्कृतियाँ, सभ्यताएँ, रीति रिवाज और भिन्न भिन्न प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं और सभी को एक समान मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ एकता के सूत्र में बांधकर सभी को भारतीय बनाने की क्षमता रखने वाले अपने देश के राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान को नमन करते हुए, साथ ही जिसने बहिरों को कान, गूंगों को जबान, नारी को सम्मान, देश को समता, न्याय, बंधुत्व, दया, मैत्री, करुणा पर आधारित जनतांत्रिक सर्वोच्च संविधान, मां कस्तूरबा को पति दान, गांधी को प्राण दान और भटके हुए भारत को बौद्ध धर्म की प्रेरणा महान देने के साथ ही साथ भूले भटके, बिसरे बिसारे, दुराए छिपाए गए अपने मानववादी महापुरुषों को सम्मान दिया। ऐसे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में मैं नमन करता हूं और उन्हें नमोबुद्धाय करता हूं। साथ ही इस धरती पर जन्मे अपने उन तमाम ज्ञात अज्ञात मानववादी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूं। साथियों, आज इस चंदापुर गुढ़ा की धरती पर आयोजित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा और बुद्ध विहार की स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में, धम्म देशना के इस कार्यक्रम में के मुख्य अतिथि अभी नहीं आए हैं, हम सब युवाओं के संरक्षक हैं और प्रेरणा स्रोत हैं, बड़े भैया मानी डॉक्टर बीपी अशोक साहब आने ही वाले हैं। साथ ही यहाँ बड़े गर्व की बात है, फख्र की बात है कि लश्कर कमांडर के लोग यहाँ उपस्थित हैं। उनके सामने किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती कि कोई मंच पर बोले, ये यहाँ बैठी है। अब हम लोग थर थर कांप रहे थे कि जब ये लोग मंच पे आ जाएंगे, किसी की हैसियत नहीं है कि कोई वहां बैठ सके। अभी ये लोग आएंगी, ऐसी हमारी बहन और लश्कर कमांडर की पूरा पूरे देश में भ्रमण कर रही माननीय संघ मित्रा गौतम जी, कमांडर रेखा आर्या जी और हमारी बहन, जो नाम नहीं मालूम, लेकिन पूरे लक्ष्य कमांडर को मैं आज बहुत बहुत साधुवाद बधाई देता हूँ कि आज हम लोग आपकी बात तो सुनेंगे लेकिन मैं नहीं सुन पाऊंगा क्योंकि मुझे जाना है, इसलिए मैंने अनुरोध किया था कि मैं जल्दी से बोलूं। खैर, आप लोग इनकी बातों को सुनेंगे और इनकी बात सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई वक्ता बोल पाएगा जी। मैंने सुना है आपको, मैंने आपको सुना है, आपकी बातों को सुना है। खैर, आज धम्म देशना का एक कार्यक्रम है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध ने कहा था, भगवान बुद्ध ने कहा था कि संसार में चार प्रकार के लोग होते हैं। एक है जो अंधकार से अंधकार की ओर जा रहे हैं, यानी जो गरीब घर में पैदा हो गए लेकिन दुराचारी परिवार है, व्यसन में जी रहा है और व्यसन में जी रहा है, दुख में है, दुखी है, परेशान है अपनी गरीबी से, अपने कर्मों से, लेकिन फिर भी वह आगे की सुध नहीं ले रहा है और अपने बच्चों को, परिवार को व्यसन में लगाए हुए, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, अच्छे कर्म नहीं कर रहा है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि उसका जीवन तो पहले दुख में था ही, उसका भविष्य भी दुख में ही होगा, वो कभी सुखी नहीं हो सकता, वो अंधकार में है और अंधकार की तरफ भी जा रहा है। दूसरे प्रकार के लोगों को भगवान बुद्ध ने कहा कि दूसरे ऐसे लोग हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं, यानी जो गरीबी में पैदा हुए, व्यसन में जी रहे हैं लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कार दे रहे हैं, प्रज्ञाशील, करुणा की भावना से लैस कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं, तो उनका वर्तमान जीवन तो दुखमय है लेकिन आने वाला समय उनका सुखमय होगा, उनका जीवन सुखी होगा। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि एक तीसरे प्रकार के और लोग हैं जो प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं, यानी जो पढ़ लिख करके, जिनके माँ बाप पढ़ाई लिखाई करके, अच्छे कर्म करके नौकरी पा लिए, कोई व्यवसाय कर लिए, दुकान कर लिए और उनका जीवन अच्छा चल रहा है, लेकिन
उनकी आने वाली पीढ़ियां या वो अपने बच्चों को संस्कार नहीं सिखा रहे हैं, यानी उनका वर्तमान जीवन सुखमय है लेकिन फिर भी भविष्य उनका दुखमय हो रहा है। एक प्रकार के हैं जो प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहे हैं, जैसे हमारे बीच में मानिया संगमित्रा गौतम जी जैसे लोग हैं जो सुखी परिवार में तो जन्म लिए, अच्छे कर्म किए, लेकिन आज समाज को भी प्रकाशित करने का काम कर रहे हैं, खुद भी प्रकाश है, प्रकाश में है और दूसरों को भी प्रकाशित करने का काम कर रहे हैं। असल में ऐसे ही लोग समाज में अनुकरणीय होते हैं। हमसे आपसे गलती कहाँ हो जाती है कि हम जो प्रकाशित करने का काम कर रहा है उसकी बात को नजरअंदाज कर लेते हैं तो हम दुखी जीवन जीते हैं, हम दुखमय हो जाते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें कहा कि प्रज्ञा शील करुणा शील समाधि प्रज्ञा का जो पालन करता है वही उसी का जीवन सुखमय होता है और यही बौद्ध धर्म का सार है, यही बौद्ध धर्म का मूल है कि जो अपने चित्त को एकाग्र कर प्रज्ञा को जगा कर और जो जीवन जीता है वही बुद्धत्व को प्राप्त करता है, यानी वही भगवान बन जाता है। आप लोग समझते होंगे भगवान बनना है बुद्धत्व प्राप्त करना बहुत बड़ी बात, हाँ बहुत बड़ी बात तो है, लेकिन जो प्रज्ञाशील समाधि के रास्ते पर चलेगा वो बुद्धत्व प्राप्त कर लेगा, यानी जहाँ भगवान बुद्ध पहुंचे थे वहां भी वह पहुंच सकता है। पाली भाषा में भगवान का अर्थ बताया गया था बंदे जी कि भग रागो भग दोषो भग मोहति भगवान, यानी जिसने अपने राग द्वेष मोह का पूरी तरह से खत्म कर दिया वह बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान बुद्ध ने हमें पंचशील का सिद्धांत दिया, अष्टांगिक मार्ग बताया, अमूमन जितने उपासक लोग हैं सभी लोग पंचशील का मतलब जानते ही होंगे, पारातिपाता वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, मूषावादा वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, असुरामेरे मद्यपमा दक्षाना वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, यानी अगर हम जीव हत्या चोरी से व्यभिचार से ग्रस्त रहेंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा। लेकिन जो छठा सील है, सातवा आठवा सील है जो बनते लोगों के लिए बताया गया है, हमने देखा है कि हमारे समाज में जो बनते लोग हैं पंचशील के अष्ट सील का भी पालन नहीं कर पाते, विकार भोजना वे रमण सिक्खा पदम समाधियामी, ये छठा सील है। सातवा सील है नच गीत वादित विशुक दशना माला गंध मिले पर धारण मंडल विभूषण नठाना वे रमण सिक्खा पदम समाधियामी, आठवा सील है उच्चा शयन महाशयना वे रमण सिक्खा पदम समाधियामी, इन सब सीलों का हम पालन करेंगे तो हम निश्चित रूप से उस स्थान को पा सकते हैं जहां भगवान बुद्ध पहुंचे थे और मेरा जीवन सुख है। और यही हमारे हथियार है पंचशील, हथियार का मतलब कि जिससे हम सुरक्षित रह सकते हैं, हमारी सेनाएं हैं पंचशील अष्टशील, ये हमारी सेनाएं हैं जो हमको जो हमारी रक्षा करती है और इन सेनाओं के सहारे हम विजय कर सकते हैं अपने जीवन में, अच्छा जीवन बना सकते हैं। लेकिन हमारे लोग, मैं कहना चाहता हूँ हमारे लोग सेनाओं में शामिल होते हैं उसके, भगवान बुद्ध तो पैदल चल करके पूरी दुनिया में पहुंच गए, पैदल चल करके अपने धर्म को अपने धर्म को पूरी दुनिया में पहुंचा दिए। और यहाँ जो लोग उड़ते थे, बहुत से देवी देवता थे जो उड़ते थे, उड़ करके भी विदेशों तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए जो चलता था जो धरती पर चलता था उसको चला दीजिए और जो उड़ता था उसको उड़ा दीजिए। जो चलने का काम कर करके हमें हमारा जीवन सुखमय बनाने का काम किया उनके धर्म को हमको चलाने की जरूरत है और जो लोग उड़ने उड़ाने के विश्वास करते हैं उनको उड़ाने का काम। हमारे लोग सेना में सम्मिलित हो जाते हैं, आजकल उड़ने वाले जो देवता है उनके नाम पर तमाम तरह की सेनाएं बन जाती है, मैं नाम नहीं लूंगा खाली यही बताऊंगा उड़ने वाले जो देवता थे उनके नाम पर तमाम तरह की सेनाएं बन रही हैं। और आपको हमको उस सेना में सम्मिलित करने के लिए हमें लॉलीपॉप देते हैं, हमें कहते हैं कि देखो संकट में मामला है हमारी सेना में आ जाओ। मैं जानना चाहता हूँ, आप लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि जब देश मेरा गुलाम था, जब यहाँ मुगल आ रहे थे, मुगलों का आक्रमण हुआ और डच थे और वो मुगल थे, अंग्रेज थे, डच थे, फ्रांसीसी थे, हूड थे, जब इन विदेशियों का आक्रमण हो रहा था
तब इनको चाहिए था कि सेना बनाते और सबको मिल करके अंग्रेजों को मुगलों को हुड़ों को हरा देते तो हम समझते। लेकिन क्या उस समय, मैं जानना चाहता हूँ, क्या उस समय जो अहिर समाज के थे, जाटो समाज के थे, मौर्य समाज के थे, भर समाज के थे, कुहार समाज, क्या इनके जवानों में, नौजवानों में क्या ताकत नहीं थी? क्या वो सब सेना में सम्मिलित होते तो मुगलों को अंग्रेजों को हरा नहीं सकते थे, हरा सकते थे? लेकिन उस समय उन्होंने सेना नहीं बनाई। उस समय क्या बना रहे थे? जीजा बना रहे थे। उस समय ईद बना रहे थे जीजा के साथ, और सेना में सेना नहीं बनाई। अब आज सेना बना रहे, कब सेना बना रहे हैं? जब हमारे देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मजबूत संविधान बना दिया है, और संविधान के तहत हमारे यहाँ थल सेना है, हमारे यहाँ नव सेना है, जल सेना है, हवा से हवा में मार करने वाले, हजारों किलोमीटर मार करने वाली मिसाइलें हैं, तब ये सेना बना रहे। बताइए 1971 में युद्ध हुआ, नहीं जहाँ 1965 में और 1971 में 62 में 65 में और 71 में और 1999 में कारगिल में युद्ध हुआ, हमारी सेनाएं बहादुरी से लड़ी। और वहां कहीं इनका कोई जो सेना, तमाम हम नाम तो नहीं लेंगे, तमाम सेनाएं हैं, कहीं दिखाई नहीं दी। इसलिए हमें आपको समझना होगा, ये जो सेनाएं तमाम बना रही हैं, ये किसके लिए बना रही हैं, क्यों बना रही हैं? देश पर लड़ने की बात आती तो ये सेनाएं वहां नहीं जाती। आखिर ये सेनाएं किसके लिए बनाई जाए, हमको आपको बहुत ही बारीकी से जो हम लोगों को सोचना होगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया, इस संविधान में वो ताकत है जो हमें भारतीय बनाने के लिए मजबूती से हमें जो रास्ता देखता है। गीता और रामायण पढ़ करके आप एक अच्छे हिंदू तो बन सकते हैं, कुरान पढ़ करके आप एक अच्छे मुसलमान बन सकते हैं, बाइबल पढ़ करके आप एक अच्छे ईसाई बन सकते हैं, लेकिन अगर आप भारतीय संविधान नहीं पढ़ेंगे तो आप एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते। इसलिए अच्छा नागरिक बनना है तो भारतीय संविधान को पढ़ना। अभी हमें कहना चाहते हैं, देशना हो रही है, चाहे गीता की देशना सुन लीजिए, चाहे कुरान की देशना सुनिए, चाहे बाइबल की देशना सुनिए, जो लोग देशना सुनने जाएं कहीं भी किसी धर्म के, उनसे कहिए कि पंडित जी, मौलवी जी या भंते जी, अगर देशना सुना रहे हैं 2 घंटा, अगर अपने धर्मों पर देशना सुना रहे हैं तो 10 मिनट मुझे भारतीय संविधान पर देशना सुना दीजिए। क्योंकि जब भारतीय संविधान की देशना चलेगी तो फिर हमारा मामला बन जाएगा, जो बाबा साहब ने हमें रास्ता दिया था। और हमारा जो देशना है भारतीय संविधान का, कुछ और नहीं बल्कि बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के धम्म को ही भारतीय संविधान में पिरो दिया है। इसलिए बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि से काम लेने की जरूरत है और ललकारने की जरूरत है कि गुरुजी, पंडित जी, अगर 2 घंटा आप गीता और रामायण पर प्रवचन दे रहे हो तो राष्ट्र के नाम पर, देश के नाम पर 10 मिनट ही सही भारतीय संविधान पर प्रवचन दे दो, मेरा मामला बन जाएगा। हमारा मिशन यही है, हम लोगों को बुद्धं शरणं गच्छामि के एक रास्ते से अब चलने की जरूरत है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि जब माना कि गीता एक पवित्र ग्रंथ है जो हिंदुओं को संगठित रख सकती रखती थी, ठीक है, कुरान एक पवित्र ग्रंथ है जो मुसलमानों को संगठित रखती है, बाइबिल एक पवित्र ग्रंथ है जो ईसाइयों को संगठित रख सकती है, लेकिन जब ये धर्मों के लोग जब आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, भारत की कानून व्यवस्था खराब होती है, यहाँ की शांति सुरक्षा खतरे में पड़ती है, तब केवल हमारा राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान ही में संगठित रखने का काम करता है। जब ये लड़ते हैं, ये जो संगठित वाले लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे धर्म में ताकत है, यहाँ न्याय नैतिकता है, और ये जब आपस में जब ये लोग अपने अपने धर्मों का प्रवचन देते हैं, बहुत महान बताते हैं, लेकिन जब ये महान लोग जब लड़ने लग जाते हैं तो हमारे बाबा साहब का जो संविधान है ये इन्हें संगठित रखने का काम करता है। इसलिए हमारे जो भारतीय धर्म ग्रंथ है, हमारा राष्ट्रीय संविधान, ये हमारे लिए पूजनीय है। वेलकम साहब, वेलकम वेलकम साहब, लोग आइए। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया वो हम सबके लिए तुलनीय है। बाबा साहब हमारे लिए सर्वोच्च है,
पूजनी है। बाबा साहब अम्बेडकर जो लोग हैं, कुछ लोग हैं हम सबको चिढ़ाने के लिए कहते हैं कि अरे भारतीय संविधान तो नकल है, दूसरे देशों के संविधान की नकल है। तो जो लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग होंगे, जो लोग राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होंगे, वो जानते होंगे कि ब्रिटेन का संविधान लिखित है ही नहीं। ब्रिटेन का संविधान तो लिखित है ही नहीं, वो अभी समयों पर परंपराओं पर आधारित है। जो लोग नहीं जानते वो जान भी ले, अभी आधुनिक समय में अब जाकर के ब्रिटेन उसकी नकल कहां से करेंगे जो लोग कहते हैं। और हमारे यहाँ भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है और ब्रिटेन में राजा होता है, राजा का बेटा ही राजा होता है। तो बताइए बाबा साहब ने ये कहां किया नकल। हमारे देश में राज्यसभा के जितने सदस्य हैं वो सब सबका चुनाव होता है और मात्र 12 सदस्य ही मनोनीत किए जाते हैं। ब्रिटेन में सभी के सभी राज्यसभा सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो बताइए बाबा साहब ने कहां नकल किया। हमारे यहाँ जुडिशरी स्वतंत्र है, ब्रिटेन में जुडिशरी स्वतंत्र नहीं है, बाबा साहब ने कहां नकल किया। हमारे यहाँ परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ की एससी एसटी ओबीसी को सदियों की दास्ता से मुक्त करने के लिए आरक्षण दिया, उन्हें सम्मान दिया, संविधान में अधिकार दिया। क्या बताइए ब्रिटेन में क्या एससी एसटी ओबीसी है। तो जो ब्रिटेन में एससी एसटी ओबीसी है बाबा साहब ने किसे नकल कर लिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ भारतीय संविधान के नियमों के तहत सती प्रथा, छुआछूत जैसी अमानवीय कुरीतियों का हमेशा के लिए वो बंद कर दिया, हमेशा के लिए उसको खत्म कर दिया। क्या ब्रिटेन में सती प्रथा, छुआछूत नहीं। हमारे यहाँ बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार दिया। अब भाई जब आप अधिकार नहीं दे सकते हो, आपके अंदर आपके धर्म आपके संस्कार में जब ऐसी अव्यवस्था थी, अमानवीय व्यवस्था थी, बाबा साहब ने अगर बराबरी का अधिकार दे दिया तो आप कहते हो नकल है। ये कौन सा नकल है। अच्छी बातों का नकल करना नकल नहीं कहते। जैसे आज हमारी बहन मानिया संगमित्रा गौतम जी यहाँ है, अगर इनकी इनसे कोई प्रेरणा लेकर के यहाँ कोई बैठी कोई लड़की कोई महिला समाज में निकल पड़े सबको जगाने के लिए और दूसरा कोई चिढ़ाने के लिए कह रहे अरे तुम तो संगमित्रा जी का खाई नकल करती हो, तो ऐसे खुराफात लोगों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। अच्छी चीजों का नकल नकल नहीं होता बल्कि वही बुनियाद होती है। इसलिए जो लोग भी ये कहते हैं कि ये भारत का संविधान नकल है उनकी तरफ देखना मत बल्कि आगे बढ़ते चलना, ये हमारा मिशन है। तो साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा भारतीय संविधान कि हमारे यहाँ अभी 26 नवंबर को हमारे यहाँ 26 नवंबर को हमारे जौनपुर में एक स्कूल है वहाँ संविधान दिवस मनाया गया था। वहाँ पर एडीजे थे रमेश दुबे जी आए थे और एक न्यायाधीश थे मोहम्मद फिरोज सर आए थे। मैंने उनसे कहा कि सर अगर भारतीय संस्कार भारतीय सभ्यता भारतीय धर्म अगर लागू होता तो आप चूंकि जाति के ब्राह्मण हैं, मैंने उसे क्षमा याचना के साथ कहा चूंकि आप एडीजे हैं जज हैं, मैं क्षमा याचना के साथ भारतीय संविधान में मिले अधिकार के तहत अपने अधिकारियों का उपयोग करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप ब्राह्मण होने के नाते केवल गीता और रामायण पढ़ते वेद पढ़ते और खूब कंठस्थ कर ले जाते उसमें महारत हासिल कर लेते तो आप एक बहुत अच्छे कथावाचक हो सकते, या किसी बड़े मंदिर में महंत बनकर के प्रसाद बांटते भक्तों को। लेकिन आज ये भारतीय संविधान की ही देन है कि आप जज बनकर के न्याय बांटते प्रसाद बांटते, वो ब्राह्मण बनकर प्रसाद बांटते तो खाली हिंदू ही प्रसाद पाता, लेकिन जज बन करके न्याय बांट रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी सब पा रहा है। ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। इसलिए इस यह संविधान दुनिया में बेजोड़ है, हमें आपको सबको भारतीय संविधान को रखना चाहिए, घरों में पढ़ना चाहिए और भारतीय संविधान की हर धारा को अपने भी पढ़ना चाहिए, बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए, संस्कार देना चाहिए। हम जब संस्कार देंगे जैसे हमारी बहन संगीता जी प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रही हैं, तो कम से कम हम अंधकार से प्रकाश की ओर चल पड़े तो मामला बन जाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी को जय जय धन्यवाद है आपको।
जैसा कि पहले से ही निर्धारित था कि धम्म देशना और भगवान बुद्ध के